हाँ तो दोस्तों, आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो हमेशा के लिए परमानेंटली, तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को डिलीट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोफाइल पर जाना है। यहाँ पर दोस्तों प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एक 3 डॉट ऑनलाइन मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 3 डॉट, इसके ऊपर दोस्तों अपने को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अपने सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन मिल रहा है हेल्प का। दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हेल्प के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी ऑप्शन मिल रहा है तीसरे नंबर पर हेल्प सेंटर। तो दोस्तों आपने क्या करना है, हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने सामने हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है 3 लाइन का। यहाँ पर दोस्तों आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक करें। जैसे दोस्तों 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पर आ जाएगा मैनेज योर अकाउंट। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ 5वें नंबर मिल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो डिलीट योर अकाउंट। दोस्तों आप देख सकते हो अपने को क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है डिलीट योर अकाउंट। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम होती है जाएगा कि डिलीट योर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपने ओपन ऑप्शन मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम में बहुत घुमा फिरा के यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऊपर मिल रहा है टेम्परेली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। दोस्तों इसको अपने इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है छोटे अक्षरों में। आप दोस्तों आप देख सकते हो ध्यान से देखना है, छोटे अक्षरों में ऑप्शन मिल रहा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। दोस्तों अपने को इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिल रहेंगे लिखने मिल जाएंगे। ऊपर दोस्तों आप देख सकते हो एक ऑप्शन मिल रहा है एंड्रॉयड ऐप हेल्प। दोस्तों आप देख सकते हो अपने को एंड्रॉयड हेल्प के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अपने को क्या करना है, मोबाइल ब्राउजर हेल्प के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हो ये ऑप्शन मिल रहा है मोबाइल ब्राउजर हेल्प। दोस्तों ऐसे इसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप नीचे आप जाओगे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है डिलीट योर अकाउंट। दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे थोड़ी देर आपको रुकना है। जैसे रुकोगे दोस्तों आपने इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों डिलीट कर रहे हो। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट क्यों कर रहे हो। मैं बता देता हूँ कि मैं सेकंड अकाउंट बना रहा हूँ, क्रिएट अकाउंट दूसरा सेकंड अकाउंट बना, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसके ऊपर दोस्तों बात क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन मिलेगा री इंटर योर पासवर्ड। आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। यदि आपको इंस्टाग्राम पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप दोस्तों इंस्टाग्राम दोबारा दूसरे आप बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे आप पासवर्ड कर क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखना क्या बता रहा है। If your continue profile in continue detail deleted for 28 February 2024 disable Instagram between no। दोस्तों आपको क्या करना है, आप जिस दिन से आप डिलीट करोगे इसके 28-30 दिन बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से इंस्टाग्राम से हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। आपको आप जिस दिन अकाउंट डिलीट करोगे उसके 30 दिन तक आप इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको हमेशा के लिए डिलीट कर सकता है, डिलीट हो जाएगा आपको। फिर आप कभी भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन नहीं करोगे। आपको 30 दिनों के अंदर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को कभी भी लॉग इन कर सकते हो, आप हो जाएगा 30 दिनों के बाद दोस्तों आप इंस्टाग्राम परमानेंट डिलीट हो जाएगा, आप सर्च बार में भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप सेम प्रोसेस है। यहाँ पर दोस्तों डिलीट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इंस्टाग्राम अकाउंट को आप हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को सीखने को मिला। दोस्तों वीडियो कर दी लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली।